नमस्ते दोस्तों, आ रही हूँ मैं कृतिका कटोच कन तुम्हें देखा है समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। किन्नौर जिला के रिकांगपिओ च कंगना रनौत ने सुक्खू सरकार पर फिर साधे निशाना, बोली सुक्खू सरकार दुख सरकार बनी गई है, ना वो खुद सुखी है ना जनता सुखी है, अगर ना ही उन्होंने केंद्र सरकार सुखी है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले भाजपा ने किया शिक्षा का बेड़ा गर्क, अहां किते सुधार, कहते शिक्षा सुधार वास्ते ऐसा शिक्षकों जो एक्सपोजर विजिट वास्ते विदेश भेजा। धर्मपुर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधे निशाना, बोले कांग्रेस नेता नीच पाई पा दे अपनी बुखलाहट, कन जनता ने देना है जवाब। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर सुधीर शर्मा ने साधे निशाना, बोले शुरू तक ही उन्हें छूट की किताब पकड़ी है, कल लोग का सामने वह किताब जो लेने जा देते, 15 महीने जितना भ्रष्टाचार होया मैं कई चीज़ों से खुलासे किए। भाजपा विधायक बलबीर वर्मा ने प्रदेश सरकार पर साधे निशाना, बोले प्रदेश सरकार ठग दी सरकार है, प्रदेश की सत्ता होने से पहले भी कांग्रेस सरकार ने जनता जो ठगने का काम किया, कहीं हूँ भी ठगने का काम करा दी। HPU के वाणिज्य च PhD के ST आरक्षण पद जो रातों रात बिना दिते सामान्य वर्ग च किते गया, इो लेने ABP ने आवाज़ उठाई, ना केवल गलती स्वीकार करवाई, कहने ABP ने मांग की कि लोगों जो अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, अन्यथा अंदोलन किए जाना है। सोमवार यानी कल घोषित हो सकता हिमाचल बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट। ऊने च रिश्वत मामले च गिरफ्तार ASI निर्मल पटियाल सस्पेंड, 14 दिनों की हुई जेल। बिलासपुर जिला के जुखाला क्षेत्र वाला HRTC बस पुले ते नीचे गिरी है, तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, कने हादसे च कई लोग घायल भी हुए। जिला शिमला के उपमंडल ठियोग के KR2 च 150 मीटर गहरी खाई च कार गिरी है, 2 युवकों की मौके पर ही मौत हुई, कन 2 घायल हुई। पहाड़ी अंदाज 10 बड़ी खबर दिखने वास्ते तुम दिखते रहे समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।